कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति को शीघ्रपतन की बीमारी हो? शीघ्रपतन? घबराइए नहीं, अगर एक मर्द एक औरत के अनुरूप इजेकुलेशन डिले नहीं कर पाता है तो इसे हम प्री मैच्योर इजेकुलेशन बोलते हैं, जिसे हम आम भाषा में शीघ्रपतन भी कहते हैं। और ये कपल की लाइफ में एक एनिमी के काम करता है, जिससे लोगों की लाइफ खराब हो जाती है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मगर डॉक्टर, उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संभव की इच्छा भी बहुत भरपूर है, पर एक दो मिनट के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कहा तो उन्हें बुरा ना लग जाए। देखिए, बहुत सारे लोग सेक्स के दौरान बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं, कुछ लोग तो इंटरकोर्स करते ही हो जाते हैं, और कुछ लोग महिलाओं को देखते ही हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है डॉक्टर? देखिए, इसका कोई क्लियर कोज नहीं है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मर्द लोग जल्दी स्खलित हो जाते हैं। और हाँ, इसका एक कारण और भी है, जिसे हम कहते हैं हस्तमैथुन। जो लड़के लोग अपनी यंग एज में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, ऐसा करना कुछ गलत नहीं है, मगर हद से ज्यादा कोई भी चीज की जाए तो गलत ही होती है। अगर इनके पति इस प्रॉब्लम से काफी समय से जूझ रहे हैं तो इसे हम प्राइमरी प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। इस केस में इनके पति को मानसिक या शारीरिक फैक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर, इसका कोई समाधान तो होगा ना? जी हाँ, आप खुद कंट्रोल कर सकती हैं। मैं कैसे? देखिए, आजकल क्या होता है कि काफी लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो जब भी आपके पति घर पर आए तो आप उनको स्ट्रेस फ्री कीजिए, आप उनसे प्यारी प्यारी बातें कीजिए, आप उनके साथ समय बिताइए, आप उनको ये कभी भी एहसास ना होने दीजिए कि आप उनके साथ नहीं हैं, बल्कि जब तक आपके पति आपके साथ रहें उनको यही एहसास होना चाहिए कि वो और आप एक दूसरे के साथ हैं। जब भी आपके पति जल्दबाजी करने की कोशिश करें तो उन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उन्हें जल्दबाजी करने से रोकिए, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहिए, और हाँ, उनके गोप टांग को जरा कम ही छूइए। सेक्स के दौरान जब भी आप बेड पर हो, आप अपने पति को ज्यादा से ज्यादा बातों में उछाकर रखें, लेकिन आप उन्हें बेड पर यह महसूस ना होने दीजिए कि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें कॉन्फिडेंट कीजिए कि वो बहुत एक्टिव है, लेकिन उनको बातों में इस तरह से उलझा कर रखिए कि उनका पूरा ध्यान सेक्स पर केंद्रित ना हो पाए। एक और भी आसान तरीका है, कॉन्डम। कॉन्डम आपके प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर, पर वो कॉन्डम नहीं यूज करते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज करने से सेंसेशन रिड्यूस होती है। कॉन्डम में लगी लुब्रिकेंट वेजाइना के सरफेस को स्मूथ करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है। पर डॉक्टर, डेली कॉन्डम यूज करना पॉसिबल है? नहीं, अगर आप डेली कॉन्डम यूज नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप लुब्रिकेंट यूज कर सकती हैं। मार्केट में कई तरह की क्रीम, लुब्रिकेंट, ऑयल अवेलेबल है, आप उसे अपनी वेजाइना पर या फिर पुरुष के गुप्तांग पर यूज कर सकती हैं, उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है, अब ये सब कुछ मुझे ही करना होगा। डॉक्टर, इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई और उपाय? जी हाँ, इसके बहुत सारे तरीके हैं और कुछ घरेलू उपाय भी हैं, लेकिन जब आप अपने पति के साथ आएंगी तभी बताना संभव होगा। तब तक आप अपने पति के खाने पीने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खान पान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी अपने पति के साथ आपके पास आऊंगी। ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।